इंडियन काउंसिलिंग ऑफ प्रेस हरचंदपुर थाने के खिलाफ धरना अनशन पर बैठे विकास भवन रायबरेली में इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस द्वारा अनिश्चितकालीन धरना। इंडियन काउंसिलिंग प्रेस संगठन के कार्यकर्ता समाजसेवी नूर मोहम्मद के साथ हरचंदपुर थाने में तैनात सिपाही जीएस यादव द्वारा भद्रता एवं पुलिस के नाम पर दबंगई की गई, जिस पर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ संगठन ने रायबरेली विकास भवन पर धरना व अनशन पर बैठे लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मोहम्मद आरिफ, जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद, राज मनोज कुमार, पूनम साहू, सबीना बानो, श्रेया बानो आदि लोग मौजूद रहे। नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, फतेहपुर थाना मुर्दाबाद, फतेहपुर थाना मुर्दाबाद। आज किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि थाना हरचंदपुर में जो नूर मोहम्मद अनशन बैठे हुए हैं, इनके साथ अभद्रता हुई है और मारपीट की गई है और कुछ पैसे वसूले गए हैं, इसलिए बैठे हैं अनशन पे। ये जो वहाँ पे दरोगा साहब हैं, जे एस यादव करके एक हैं और एक लोग नंबर दिया हुआ है उनका, उनको हम निलंबित कराना है। नहीं तो क्या भर्ता हुई, क्या हुआ? भर्ता हुई, इनको हवालात में डाल दिया था ना, 3-4 घंटे वहाँ रखा है, मारा भी है। कब की घटना है ये? ये है 6 तारीख की, 6 नवम्बर की। किस थाना क्षेत्र का मामला है? थाना हरचंदपुर का मामला है। ये कौन सा एसोसिएशन है जो आज धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है? ये हमारा है संगठन इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस, जिसमें हम जिलाध्यक्ष हैं यहाँ से व्यापार प्रकोष्ठ से। बाकी हमारी एक पूरी टीम है, महिला टीम है और पुरुष की। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? तो सर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारे अभी तो फिर सिर्फ ट्राइबली की टीम है, इसके बाद अब और भी जिला हैं उनकी टीम आएंगी, प्रदेश कार्यकारी और फिर राष्ट्रीय कार्यकारी भी दखल देगी यहाँ पर। यानी आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जाएगा।